दुनिया की सबसे पांच बड़ी मस्जिदें कौन सी है? तो सबसे पहले मस्जिद हरम का नाम आता है जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शामिल है। ये जो मस्जिद हरम है ये सऊदी अरब के मक्का शहर में ये स्थित है। 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये मस्जिद फैली हुई है। हर साल यहाँ पे हज के दौरान करीब 40 लाख लोग नमाज यहाँ पे पढ़ते हैं और इसे बनाने में 100 बिलियन डॉलर का खर्च आया है जो अंबानी का 25% भी नहीं है। अगला दोस्तों जो मस्जिद का नाम आता है दूसरे नंबर पे वो मस्जिद नबवी है जो कि मदीना में स्थित है और इसकी बुनियाद जो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद रखी थी। ये मस्जिद 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। यहाँ पे एक साथ करीब 10 लाख लोग नमाज यहाँ पे अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है और इस मस्जिद में आपको ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ पे देखने को मिलेगी जो पूरी दुनिया में शायद किसी भी मस्जिदों में आपको देखने को ये चीज़ें नहीं मिलेगी। अब तीसरे नंबर पे जो मस्जिद का नाम आता है ये आता है ईरान शहर मशहद में। तो उनको इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अली जो कि तीसरे नंबर पर यह मस्जिद आता है। यहाँ पे करीब 6 लाख लोग एक साथ वहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं और ये 2,66,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मस्जिद का एक बड़ा जो हिस्सा है उनका जो निर्माण किया गया सुल्तान महमूद गजनवी के तरफ से किया गया था। इसमें एक लाइब्रेरी, इसमें एक म्यूजियम और 4 सेमिनार हॉल इसमें मौजूद है। दोस्तों आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी शानदार मस्जिद होगी और कितनी बड़ी ये मस्जिद होगी। अब चौथे नंबर पे जो मस्जिद आता है ये इंडोनेशिया का मस्जिद है दोस्तों और ये राष्ट्रीय मस्जिद भी कहा जाता है वहाँ का। दोस्तों जो चौथे नंबर पे जो मस्जिद आता है उनका नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों इनका जो नाम है इस्तिकलाल जकार्ता, ये जो है इंडोनेशिया के एक शहर में ये स्थित है और ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय मस्जिद भी कहा जाता है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में किया गया था जो कि बनाने में 7 बिलियन डॉलर का खर्च आया था। इसमें एक साथ करीब करीब 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें नमाज अदा कर सकते हैं और ये मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है और इसमें भी काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पांचवा सबसे जो लास्ट सबसे जो बड़ी मस्जिद है वो है मोरक्को शहर में स्थित है। ये दोस्तों ये मस्जिदों की एक तरह का वहाँ का शान बाह कहा जाता है क्योंकि इसका आधा जो हिस्सा है वो समुद्र में बना हुआ है और आधा हिस्सा जो है वो अटलांटिक जो महासागर है वहाँ पर बना हुआ है। इस मस्जिद का एक हिस्सा जो फर्श है वो पूरा का पूरा शीशे का है और इसकी दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से इसका शुमार शामिल है। इसकी लाइट दोस्तों जो मीनार के ऊपर लगाई गई है उसको 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है और इस मस्जिद में करीब 35,000 लोग से भी ज़्यादा नमाज एक साथ अदा कर सकते हैं। तो साथियों वैसे तो बहुत सारे मस्जिदें हैं पर मैं आपको दुनिया की 5 सबसे जो बड़ी मस्जिद है उसके बारे में मैंने आपको बताया। हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने भी दुनिया में मस्जिद का निर्माण कराया, मस्जिद को बनाया, उसने जन्नत में अपना घर बनाया। तो यदि आपको ये मस्जिदों के बारे में जानकर यदि आपको गर्व महसूस हुआ, यदि आप मुसलमान हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।